हेलो गाइस, मैं हूँ राजकुमार। मेरा आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कितने नंबर पे रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं एमपी कॉलेज में। तो गाइस, सभी के अभी पेपर 50% बंदों के पेपर हो चुके हैं। मैंने एनालिसिस किया है, किसी के 75 आ रहा है, किसी के 80 आ रहा है, किसी के 85 आ रहे हैं, किसी के 70 आ रहा है, किसी के 62, ऐसे समथिंग नंबर आ रहे हैं। तो गाइस, 7 गुना बुलाना, करीबन अपन को 50,000 स्टूडेंट चाहिए किसके लिए, रनिंग के लिए। तो उसमें भी आपको 50% मार्क्स इसके होंगे फिजिकल के, और 50 हो जाएंगे जाएंगे आपके एग्जाम के। तो आप दोनों को मिला के मेरिट बनेंगे। इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो रनिंग करने वाला बंदा है वो भी बहुत अच्छे से रनिंग कर रहा होगा, जो आर्मी की तैयारी कर रहा है वो आराम से 2:20 में आराम से मार देगा। और जो नॉर्मली जो इसके हाइएस्ट नंबर होंगे तो वो आराम से 2:45 के अंदर ही 2:40 तक मार देगा। तो आप दोनों में कंपटीशन होने वाला है, जिसके ज़्यादा हाइएस्ट नंबर होंगे दोनों के हिसाब से मेरिट बनेगी। तो गैस, मैं आपको अब नंबर बताने वाला हूँ। अगर किसी के जनरल में 75 या 74 या 70+ हैं तो आप वो रनिंग स्टार्ट कर सकता है। उस दिन के नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से अगर आपको बुलाता है तो आपको बहुत ही अच्छा चांस, मौका मिलने वाला है। अब आते हैं ओबीसी के, और इसी में महिलाओं की बात कर लेते हैं। अगर उनके 2-3 नंबर भी कम कर लेते हैं तो उस हिसाब से हो जाएगा। फिर आते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में आपके अगर 72 समथिंग नंबर रहेंगे या 70, तो आपको ईडब्ल्यूएस में बुलाया जा सकता है। पता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत कम जाता है जनरल से। फिर आते ओबीसी की, ओबीसी के अगर 70 अगर नंबर होते हैं तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जा सकता है, और गर्ल्स के लिए 68 या 67 तक आपको रनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। और उस दिन की शिफ्ट के हिसाब से भी आपका कट ऑफ बनेगा कि नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे। फिर आते हैं एससी के, एससी में अगर 65 हैं तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, 67 तक या 66 तक रनिंग के लिए बुलाया था शायद, और कम में बुलाया, 64 नंबर में रनिंग के लिए बुलाया था एससी में। और गर्ल्स की बात कर लें, 62 या 61 या 63 तक आपको रनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। और एसटी की बात करें तो पिछली बार करीबन 58 या 59 तक आपको एसटी में बुलाया था, इस बार वो वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो इस बार भी मेरे को लगता है 58 या 59 तक आपको बुलाया जा सकता है। और फीमेल की बात करते हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए तो आपको यहाँ पे 3-4 नंबरों कम कर लीजिए, 55 तक आपको यहाँ पे रनिंग के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि पता है कि रनिंग के लिए 7 गुना बंदे लेना है, तो इसलिए सभी को बुलाया जा सकता है। और महिलाओं का कट ऑफ भी बहुत कम जाता है, इसलिए मेरे को ये लगता है पिछली बार के हिसाब से, पिछली बार एसटी का कट ऑफ 60 नंबर गया था पूरा टोटल सिलेक्शन तक, और रनिंग के लिए शायद 50 नंबर तक बुलाया था, 52 नंबर तक बुलाया था, जिस वैकेंसी में हमारा हुआ है उस हिसाब से बुलाया था। तो मैंने आपको जो भी एडवाइस दी है, अगर वो आपको पसंद आती है, अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो भी अगर डाउट है, क्वायरी है, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।